हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष बाइक पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पल्सर 135 आई है, पल्सर 135। और इसका जो रियर व्हील है, ये जाम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे ये कहीं पे रास्ते में फंस गए थे, जो इनका डिस्क ब्रेक बहुत जाम हो रहा था। तो ये जा रहे थे रास्ते में, तो इनका जो आगे का व्हील है वो जाम होने लग गया धीरे धीरे, इसके डिस्क ब्रेक चिपकने लग गए, तो इन्होंने वहाँ पे डिस्क ब्रेक निकलवा दिए। देख सकते हैं इसका जो डिस्क ब्रेक है, ये इन्होंने कपड़े बांध के लाए हैं, और ये डिस्क ब्रेक निकालते हैं फटाफट, दिखाते हैं आपको। ये जो इसका डिस्क ब्रेक है, ये इन्होंने रास्ते में खुलवा दिया था, क्योंकि इनका जो पहिया है बहुत जाम हो रहा था। तो इसको अभी साइड में करते हैं। मेन दिक्कत ये नहीं है डिस्क ब्रेक की, इसकी मेन दिक्कत ये है जो इसका ये पहिया है, इसका दोनों तरफ से देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये लाइन आ रही है जो इस पर, ये रगड़ खा रहा है पहिया दोनों तरफ। और मैं इधर दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं ये जो पहिया है इधर भी रगड़ खा रहा है, ये देख सकते हैं लाइन आ रही है पूरी इस पर, ये रगड़ खा रहा है मरगाड़ में। और ये रगड़ क्यों खा रहा है ये दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये चेक करिए दोस्तों, देखते हैं इसकी जो मीटर गिरा रही है, ये भी इसकी घिस रही है। और इसका जो पहिया का बैरिंग होता है, जो मेन बैरिंग होते हैं पहिए के, ये बैरिंग टूट गया है इसका, इसका ये जो एक बैरिंग है वो टूट चुका है, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल बैरिंग इसके टूट चुके दोनों। और जिसकी वजह से इसका जो डिस्क ब्रेक है वो अपने आप ही लग रहा था, और पहिया नहीं घूम रहा था बिल्कुल भी, जो इसका डिस्क ब्रेक है बिल्कुल जाम हो रहा था वो। तो उसको करते हैं फटाफट, इसका डालते हैं बैरिंग, देख सकते हैं इसमें कितनी प्ले है, खोलते हैं इसे फटाफट, बने रहिए वीडियो में।